कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े एक्सपोर्टर्स ने गैस बहरान से तंग आकर लकड़ियों से फैक्ट्री जलाना शुरू कर दी है। तफसीलात हमें रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। ये कोई लकड़ी की बड़ी टाल नहीं बल्कि कायदे आजम की जानब से इफ्तिताह किए गए साइट इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री है। गैस बंद होने के सबब बड़े एक्सपोर्टर्स ने सैकड़ों साल पुराना तरीका अपना लिया है। हजारों टन लकड़ियां खरीदी और फैक्ट्री का बॉयलर चलाना शुरू कर दिया है। साइट जो कि पहला कस्टमर, हमेशा आदमी पहले कस्टमर की, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ उसकी बहुत इज्जत की जाती है। लकड़ी जला रहे हैं। अब ये पहले कस्टमर जो जिस एरिया के थे वहाँ लकड़ी जलाई जा रही है। गैस में खुद कफील सूबे सिंध की सनतों की गैस 15 नवंबर तक 28 फरवरी बंद कर दी गई। वो एक्सपोर्टर्स जिन्हें आलमी बड़ी कारोबारी चेन्स के साथ मुजाकरात और पाकिस्तान से माल उठाने पर हिकमत अमली बनानी होती है, वो अब लकड़ी के टाल वालों से लकड़ियां खरीदने पर वक्त सर्फ कर रहे हैं। डॉलर की कदर और सियासी सूरत हाल ने फैक्ट्री मालिकान को मुश्किल में डाल रखा है। ये इशू है कि गैस की अवेलेबिलिटी प्लस आगे चले डॉलर करेंसी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है तो कहीं यहाँ पे स्टेबिलिटी आ नहीं रही, तो फिर कहाँ से आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान ने फर्नेस ऑयल LPG समेत दीगर मुतबादल ज़राए से फैक्ट्रियाँ चलाना शुरू की हैं। लकड़ी जलाकर बड़ी फैक्ट्री चलाने का आइडिया कराची में नया है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़ कराची।